ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफेदो मंडल के गांव खेड़ा खेमावती में, जहां पिछले काफी समय से, काफी लंबे समय से यहां जो मेन सड़क है असंध सफेदो रोड है जो, और इसके दोनों तरफ जो है तालाब है, और तालाब में कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जो पशु हैं गांव के वो भी गिर चुके हैं, जो स्कूली बच्चे हैं वो भी इस तालाब में गिर चुके हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये सामने स्कूल के बच्चे हैं जो खड़े हैं तालाब के पास, इनको दिखाएंगे। यहाँ कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे सर्दियों के समय में जब धुंध का टाइम होता है तो यहाँ गाड़ियाँ इसके अंदर घुस जाती हैं, और कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे कि गांव के पशु, हमने आपको बताया स्कूल के बच्चे हैं, गांव के कई आदमी हैं और इसमें गिर चुके हैं, गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। एक दो आदमी पहले यहाँ उनकी मौत भी हो चुकी है, जैसा कि हमें लोगों ने यहाँ बताया। और ये बड़ी भारी परेशानी है गांव वासियों की। गांव वासियों का कहना है कि इन तालाब, ये दोनों तरफ जो मेन रोड के दोनों ओर जो तालाब दिखाई दे रहे हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार दोनों तरफ के तालाब दिखाएंगे, जिनमें गंदगी महामारी फैलने का बड़ा भारी खतरा बना हुआ है। और लोगों का कहना है कि यहाँ इन तालाबों की वजह से उनको, गाँव वासियों को यहाँ से निकलने में भी बहुत डर लगता है। हम दिखाएँगे, कैमरामैन से कहूँगा कि दोनों तरफ जो तालाब हैं जिनके अंदर दलदल है, ये जो बच्चे स्कूली जा रहे हैं खतरे से निकल कर जा रहे हैं, ये किसी भी समय यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है, स्कूली बच्चों की जान तक जा सकती है। आइए, हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे इस समस्या को लेके कि यहाँ किस तरह की ये समस्या है। ये गाँव वासी हैं खेड़ा खेमावती की, हमें बताएँगे इन तालाबों को लेके यहाँ इन्हें कितनी भारी परेशानी होती है। भाई साहब एक मिनट रुकें। ये गांव के लोग इनसे बात करेंगे। भाई साहब, ये जो आपके गांव में सड़क के दोनों ओर तालाब बना हुआ है, गंदगी यहाँ अभी कितनी भारी बदबू यहाँ आ रही है, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। भाई साहब क्या नाम है? विनोद। विनोद भाई, ये जो तालाब बने हुए हैं आपके गांव में सड़क के दोनों ओर, आप देख रहे हैं कितनी परेशानी आती है इन तालाब की वजह से? काफ़ी परेशानी है जी। इसमें तो हमने कई दफ़ा गड्डी लुक जाए, चोट फेट लग जाए, बार बार रोज शाम को कोई डंगर डूब जाए, कोई बच्चा डूब जाए, बड़ी दिक्कत जी, हम परेशान इससे। अच्छा, ये कहना चाहो जो भी भाई साहब किसी भी जाती है खबर, रिक्वेस्ट हमारी हमारा समाधान करा जाए। तो इस बारे में लेके आपने गांव के सरपंच से बात नहीं करी कभी? काफ़ी लोग आते, कोई नहीं सुनता जी। या प्रशासन से कभी कहा हो? सब आते हैं, जैसे आप आ गए ऐसे दूसरे बंदे आते हैं। नहीं, प्रशासन की बात करो। नहीं, ऐसे तो नहीं बने, तुम देखे नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस समस्या को लेकर गाँव को? भाई, हम तो इन्हें कोई बढ़िया डाला निमटा कर सूत्रा रहा बना के, और आन जान कैसा कर दिया, जो गांव राम ने भी सुख हो और आन जान वाले ने भी सुख हो। तो कभी आपने इस बारे में गांव के सरपंच या प्रशासन से बात नहीं की? सरपंच कर दी भाई, कोई सा गुरुआ का न्यू नहीं पूछता कि इसका पड़ गया, किसका काट दिया। अच्छा, और हम तो न्यू देखा जी, इसका पड़ गया उसने न्यू काट दिया, अगला भाई मारा है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, एक इंसानियत के नाते। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, जो तालाब की समस्या है पिछले काफ़ी लंबी समय से है, कई बार यहाँ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, स्कूली बच्चों का भी नुकसान हो चुका है, गांव के लोगों का भी, गांव के पशुओं का भी, और यहाँ से निकलते हुए गांव के लोगों ने बताया कि हमें डर लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे गाँव के मौत के जोड़ हैं सर, इसके अंदर मौत के जोड़ हैं जी। इसके अंदर हर रोज कोई ना कोई हादसा होता रहता है, और गाँव में इतनी गंदगी फैला रखी है, स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को भी परेशानी है, और स्कूल में बच्चे जो बीमारी का बता दो, स्कूल के अंदर जो बीमारी का कारण है इस जोड़ों की वजह से है, मच्छर है बहुत ज्यादा, सांप हर रोज सांप निकल के, सांप निकल जाते हैं, सांप इसमें से निकल के स्कूल में अंदर बच्चों के स्कूल में। हाँ, आए सरकारी स्कूल आस पास, यहाँ दिखाएंगे स्कूल सामने पर, कैमरामैन से चाहूंगा कि सामने स्कूल को दिखाएंगे। इनका कहना है कि गांव में जो स्कूल है सरकारी, इस तालाब से सांप निकलकर स्कूली बच्चों क्लास तक पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या सर इसके अंदर ये है कि यहाँ का विकास, हमने एक बार जसवीर जी आए थे हमारे गांव को, उनके भी बोला था कि भाई इसको कोई ना कोई समाधान करवाओ, बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल की तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है बच्चों का। अच्छा, साइड में कोई कच्ची पट्टी नहीं है, रोड से गुजरना पड़ता बच्चों को, उधर से ट्रैफिक बहुत स्पीड, ये मौत के कुएं हैं दोनों तरफ बहुत स्पीड। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप ये कहना, हम ये कहना चाहूंगा जी, स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, स्कूल में मतलब जैसे बारिश होती है तो पानी भर जाता है स्कूल में। हाँ, स्कूल तो इस बात को लेके आपने कभी इधर आओ, सरपंच से कभी बात नहीं की आपने? सरपंच से क्या, सरपंच को भी दिखाई देना चाहिए ना, सरपंच काफी ग्रांटें आई हुई है ग्राम पंचायतों में, सभी ग्राम पंचायतों में ग्रांटें आई हुई है, तो काम को करवाएं तभी तो होगा ना काम। ये तो आप जब सरपंच से कभी मिले नहीं? सरपंच से मिलते हैं कि क्या करेंगे सरपंच से, इससे तो पूरे पड़ोसी भी हमारे काफी सारे बीमार, भारी बदबू अभी इस तरफ ही आ रही है, बहुत गंदी बदबू आ रही है, इसके अंदर कोई डंगर मरा पड़ा, कोई
कभी नहीं पता लगता साला। अच्छा, 15 फुट गहरा है ये। कुत्ते क्या कह रहे? हाँ जी बताओ। कुत्ते भी मरे पड़े रहो वहाँ, डांगर भी आ रहे, घास ही घास खड़ा, मच्छर माखी मारे, बच्चे भी मारो वहाँ। तो आपने कभी सरपंच से कहा नहीं कि इसको ठीक कराएं? कया बतेरा कया। तो क्या बोलते हैं सरपंच? नुका हमारे बस की बात को नहीं है। अच्छा तो कहीं प्रशासन में शिकायत, आपने सरकारी प्रशासन में कभी शिकायत नहीं दी? कया मामना सर। तो अब आपकी क्या मांग है इन तालाबों को ले, क्या मांगे सरकार से? सरकार तो हम तो नहीं मांगा कि भाई इसमें बढ़िया कुछ होना चाहिए बस, या गंद नहीं रहना चाहिए पूरा, हम तो यू मांगा। क्या कह रहे थे? अरे इसका रंगा कटवा दो, साफ कर देने। तो आप बुजुर्ग हो गाओ कि आपने कभी सरपंच से कहा नहीं समस्या को लेकर? सरपंच हजार बार कह लिया, सरपंच है सरपंच कर ले कुछ, लड़के है सरपंच, पचास पचास सरपंच डालिए, पचास डालिए। नहीं अभी जो मौजूदा सरपंच उससे तो बात करी होगी। मौजूदा वो क्या कह रहे हैं? मौजूदा था भी कह लिया सारे आलिए जाले के रखे थे सरपंच आलिए, आज लगे इसका समाधान नहीं हुआ। तो इस तालाबों की वजह से क्या परेशानी आती है आपको? तालाबा हम देख ले परेशानी तो, सड़क पर कितने वाहन निकल रहे हैं, कितने गिरे इसमें, स्कूल में एक्सीडेंट हुआ है, जोड़ी में गाड़ी गिर जा, ट्रक गिर जा, गाड़ी गुड्डी उछल जा, उरा रास्ता ही कोई नहीं है क्या यहाँ कभी? अच्छा अच्छा। हाँ जी क्या कह रहे थे आप बता दो? यही है जो। अच्छा तो फिर आपने जब, हाँ जी बताओ। 10 मिनट और रुको, 10 मिनट बाद स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और बच्चों को निकलना देखना, कितना मुश्किल यहाँ से गुजरना बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं गांव के बिल्कुल। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि सामने स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इस तरफ उनको दिखाएंगे कि वो इस खतरे से कैसे निकल कर जा रहे हैं, जो ये तालाब बताया इन्होंने कि मौत के तालाब हैं खेड़ा खेमावती गांव में। अब ये स्कूली बच्चे जा रहे हैं, किसी बच्चे का कोई भरोसा नहीं है, बच्चे हैं शरारते भी करते हैं जाते हैं, किसी समय यहाँ किसी स्कूली बच्चे के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका इन्होंने बताया कि सरपंच से भी इस बारे में कई बार बात की है, लेकिन सरपंच का ये क्या क्या कहना था सरपंच का? कोई नहीं सुनता भाई, उरे ये देख ले। इनका हिसाब तो ये कहना है कि सरपंच इनकी कोई सुनवाई नहीं करता, और ये जो मौत के जो तालाब ये बता रहे हैं कि मौत के तालाब हैं, इनसे इन्हें हर समय जान, अपनी जान और अपनी माल का पूरा पूरा खतरा बना रहता है। तो बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, हम आपको आगे भी इस तरह की जो समस्याएं हैं गांव की, शहर की, गली मोहल्ले की, हम आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। अब ये सामने एक बार फिर मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये स्कूली बच्चे जो स्कूल से निकलकर अभी आ रहे हैं, ये इस मौत के जो दो तालाब हैं खेड़ा खेती गाँव के, जो रोड है सफ़ेदो संध मार्ग है, किस तरह से यहाँ खतरे से होकर निकल रहे हैं। अब आगे दिखाएंगे हम आपको, ये बच्चे स्कूली जो बच्चे हैं अब यहाँ से निकल रहे इस खतरे से, मैं क्या चाहूंगा दिखाएंगे यहाँ छोटे छोटे बच्चे कैसे यहाँ से इस खतरे से निकल रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, गली मोहल्ले गांव की, शहर की, इस तरह की समस्या दिखाते रहेंगे। बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।